व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला कि कैसे हाउ कावागी गेट द कार्मा बैक। तो बिना किसी देरी के लेट बिगन द वीडियो। आप लोग तो पहले यही सोचोगे कि कार्मा कैसे वापस आ सकता है, इसी के उत्सुजुकी तो मर चुका है, लेकिन आमाडो जो है वो उसे वापस ला सकता है। आप सभी को और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आमाडो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, टेक्नोलॉजी से लेकर चकमा देने तक। तो ये क्या हम लोग नहीं सोच सकते कि आमाडो ने कार्मा एक्सपेरिमेंट के दौरान एक कार्मा बैकअप नहीं बनाया होगा या फिर उसके कोड्स कॉपी नहीं किए होंगे? ये एक बार के लिए भी हमने नहीं सोचा होगा, लेकिन आमाडो ऐसा बंदा है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। तो फ्यूचर में हमें ये दिखाया जा सकता है कि आमाडो ने अपना कारा बिट्रेयल प्रोसेस शुरू करते हुए पहले ही ये प्लान बनाया था, और आमाडो का प्लान मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, और हो सकता है इसी प्लान के अंदर ये भी आता है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि कावाकी के पीछे आमाडो कुत्तों की तरह पागल है, क्योंकि कावाकी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज प्लान। अब हमने एक बोल्टो के फ्यूचर क्लिप में ये देखा था कि कावाकी के पास कार्मा अब भी है, तो ये कैसे हो सकता है? इसी की तो एग्जिस्टेंस से मिट चुका है, वो कैसे कार्मा को होल्ड कर सकता है? सिंपल आंसर है आमाडो। आमाडो ने पहले इशिके के कार्मा को कॉपी किया, या फिर कहे तो उसके कोड्स को कॉपी किया, और सिंपल अपने टेक्नोलॉजी से उसने कार्मा को रीबिल्ड किया है, या फिर कहे तो उसके टेक्नोलॉजी से उसने उसको रीमेक किया है। बोर्ड मंगा चैप्टर 58 में हमने ये देखा था कि कावाकी कितना ज्यादा कार्मा पे डिपेंडेंट हो गया था, इसीलिए उसने बोरुटो का अटैक एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, जबकि उसे पता था कि उसके पास कार्मा नहीं है। तो इसी पावर की भूख में आमाडो उसे सीक्रेटली ये बता दे कि उसके पास कार्मा अब भी है, और कावाकी इसे सुन के तो पूरा चौंक जाए कि कार्मा कैसे हो सकता है, इशिकी तो मर चुका है। तो आमाडो उसे पूरा चीज बताएगा कि उसने इशिकी के कार्मा को कॉपी किया और उसे अपने टेक्नोलॉजी से रीमेक किया और नया कार्मा क्रिएट किया है। तो हमारा बैड बॉय कावाकी सुन के तो बड़ा खुश होगा कि उसके पास कार्मा वापस आ रहा है, लेकिन उसे सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ये बात वो नारुतो को ना बताते हुए कार्मा को वापस अप्लाई कर लेगा अपने हैंड में। लेकिन आमाडो इतना भी पागल नहीं है कि वो इशिकी को वापस रिवाइव करे, क्योंकि उसी ने उसको धोखा दिया था। अब अगर वो इशिकी को रिवाइव करे तो वो ही पहले उसका सर काटेगा। तो हो सकता है हमारे लाइटर सेज आमाडो ने अपने ब्रीव दिमाग से ऐसा चीज बना दिया हो, या फिर कार्मा को मॉडिफाई किया हो, जिससे कि ओत्सुत्सुकी तो रिवाइव नहीं होगा, बट उसके पावर्स एंड एबिलिटीज उसके होल्डर्स को मिल जाएंगे। और क्योंकि कावाकी 80% ओत्सुत्सुकी पहले से ही है, तो इस पावर्स को वो हैंडल भी कर सकता है, लेकिन इशिकी विल नॉट बी रिवाइव। और अगर ऐसा हो कि आमाडो ऐसा ना कर पाए और कार्मा सील से वापस इशिकी रिवाइव हो जाए, तो आमाडो ने बैकअप प्लान पहले से बना के रखा होगा, जिसमें वो उसने बहुत सारे शिनोबीज को रेडी करके रखा होगा इशिकी से वापस बैटल करने के लिए। तो गाइस, इतना तक वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना अगर कुछ पूछना है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीस आउट।